नमस्कार, कैसे हैं आप। फिल्म आदिपुरुष भगवान राम के महिमा को लेकर के और इसके पटकथा लेखक ने टीजर तैयार होने के समय ही कहा था कि बिल्कुल रामायण पर आधारित है। अब जब सिनेमा हॉल में ये फिल्म लोग देखे और हनुमान के संवाद को सुना, पूरे दृश्य में राम लक्ष्मण हनुमान के भाव भंगिमा को देखा तो ये साफ लग गया कि फिल्म सनातन पर एक साजिश थी। लेकिन मनोज मंतसर तो राममय बना हुआ था, सनातनी झंडा लेकर के पिछले कई सालों से चल रहा था, तो फिर मनोज मंतसर ने ऐसा कैसे किया? या फिर मनोज मंतसर एक ऐसा कालनेमी जिसके माध्यम से पूरे सनातन और राम का अपमान कराया गया और इसमें हिस्सेदार बीजेपी के दो दो मुख्यमंत्री और एक उपमुख्यमंत्री हैं। जी, मनोज मंतसर के इस जिहादी एजेंडा वाले रामद्रोही फिल्म का महिमा मंडन, उसका प्रचार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। पुष्कर सिंह धामी से मनोज मंतसर मिला और इसमें खुशी जारी करते हुए, इसका प्रचार करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने एक ट्वीट भी किया। पुष्कर सिंह धामी ही इस मामले में थे, ऐसा नहीं है। धामी के इस ट्विटर हैंडल से जारी किए गए ट्वीट को पढ़िए और देखिए कि पुष्कर सिंह धामी ने इस फिल्म की कितनी तारीफ की है, मनोज मंतसर से मिलने के अवसर की कितनी तारीफ की है। इतना ही नहीं, लगातार फेल रहने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तो निहाल हो गए मंतसर से मिलकर के और उसके आदिपुरुष फिल्म की खूब महिमा मंडन किया। फोटो खुद जारी किया मंतसर से मिलने का, मंतसर ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया, खुद ट्वीट भी मनोहर लाल खट्टर ने कर दिया और इस आदिपुरुष फिल्म का की तारीफ की। मामला यहीं तक नहीं रहा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सनातनी झंडा उठाए रहते हैं, इन्होंने खुद इस फिल्म के देखे जाने का एक वीडियो फोटो जारी किया, खुद इसके महिमा मंडन में ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिया। तो क्या मोदी के सिपाह सालार ये दो मुख्यमंत्री और एक उपमुख्यमंत्री एक बड़े एजेंडा के साथ थे सनातन के खिलाफ? बीजेपी के दो छोटे राज्य हरियाणा और उत्तराखंड, इन दोनों राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा महिमा मंडन और फिर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जो एकदम सनातनी बने हुए हैं देवेंद्र फडणवीस का इस कालनेमी रूप में सामने आए हुए मनोज मंतसर के लिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या मनोज मंतसर के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता था? क्या राज्य सरकार की खुफिया टीम सोई हुई थी जो मनोज मंतसर के पाप को लेकर के उन्हें कुछ भी नहीं बताया? एक वीडियो जो मनोज मंतसर का अब जारी हो रहा है उसे बहुत गहराई से देखिए। मनोज मंतसर अपने पिता का किस कदर अपमान कर रहा है, उसके पुरोहितई का किस कदर अपमान कर रहा है, वो क्या कह रहा है जरा बहुत बारीकी से सुनिएगा। वो कह रहा है कि उसके पिता ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण कुल में जन्मा, उसने अपना नाम उर्दू से प्रभावित होने पर शुक्ला हटा करके मंतसर कर लिया। उसके पिता किसानी करते हैं और किसानी करने के साथ साथ जब किसानी का समय नहीं होता है तो शिखा बढ़ा करके वो पंडितई करते हैं, पुरोहितई करते हैं। जरा सुनिएगा इसे। मुझे अपना पेन नेम मिल गया, मैंने जोड़ के लगा के साथ में देखा, मनोज मंतसर, यार साउंड अच्छा कर रहा है, चलो आज से हम मंतसर हो जाते हैं। घर पहुंचे और फिर कमाल शुरू हुआ। असल कमाल ये हुआ कि मेरे पिताजी पंडित जी वो पुरोहित हैं, मतलब शादियां करवाना, ब्याह करवाना, हवन करवाना, ये अच्छा। हाँ, तो दो तरह के पेशे हैं हमारे यहाँ। वो जब फसलों का सीजन होता है, धान का, गेहूं का, तो वो किसानी करते हैं, और जब वो सीजन खत्म होता है तो वो पंडित जी बन जाते हैं और छुपिया वगैरह रख के और हर जगह ये चीजें करवाते हैं। क्या बात है। तो मुझ पे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस
होना शुरू हो गया था, जबान का, उर्दू जबान का रेखता का आप कह लें। और उसका जो पहला मुझे एक मंजरनामा याद आता है कि पापा सुबह सुबह उठ के और शिव स्रोत का पाठ किया करते थे ऊंची आवाज में, नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकार माकाश वासम भजे हम। बगल में मनोज मुंतशी ने लगाया होता था, ख्याले गैर को दिल से मिटा दे या रसूल अल्लाह। इसमें आपने उस हिस्से को सुना जिसमें वो कह रहा है कि उसका बाप ब्राह्मण है, बेसिक काम खेती करने का है, लेकिन जब खेती नहीं चलता है तो दूसरा धंधा कर लेता है। ये सनातन का मजाक उड़ा रहा है, अपने बाप का मजाक उड़ा रहा है, और इसके साथ साथ ये साफ कह रहा है कि शिव स्तुति को खारिज करके ये रसूलुल्लाह गाता है। तो एंकर किस तरह से खुश होती है, जरा फिर से इस चीज को सुनिए। मुझे अपना पेन नेम मिल गया, मैंने जोड़ के लगा के साथ में देखा, मनोज मुंतशिर, यार साउंड अच्छा कर रहा है, चलो आज से हम मुंतशिर हो जाते हैं। घर पहुंचे और फिर कमाल शुरू हुआ। असल कमाल ये हुआ कि मेरे पिताजी पंडित जी वो पुरोहित हैं, मतलब शादियां करवाना, ब्याह करवाना, हवन करवाना, ये अच्छा? हाँ, तो दो तरह के पेशे हैं हमारे यहाँ। वो जब फसलों का सीजन होता है, धान का गेहूं का, तो वो किसानी करते हैं, और जब वो सीजन खत्म होता है तो वो पंडित जी बन जाते हैं और छुट्टियां वगैरह रख के और हर जगह ये चीजें करवाते क्या हैं। बात है। तो मुझ पे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गया था, जबान का, उर्दू जबान का रेखता का आप कह लें। और उसका जो पहला मुझे एक मंजरनामा याद आता है कि पापा सुबह सुबह उठ के और शिव स्रोत का पाठ किया करते थे ऊंची आवाज में, नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकार माकाश वासम भजे हम। बगल में मनोज मुंतशी ने लगाया होता था, ख्याले गैर को दिल से मिटा दे या रसूल अल्लाह। उस हिस्से को सुनिए जिसमें एंकर खुश हो रही है कि रसूलुल्लाह गाता है, और ये खुद कह रहा है कि हां मैं खुश हूं कि मुझे उर्दू आ गई और मैंने अपना शुक्ला नाम हटा लिया। ये वो मनोज मुंतशिर है जो बॉलीवुड में जाकर के अपना शुक्ला नाम हटाया, मुंतशिर रखा, जिसका बर्थ है बिखरा हुआ, पलटा हुआ, और ये आदमी आज के तारीख में सनातनी बन गया। ये कहता है कि यदि सनातनी हिंदुवादी लोग इस तरह से आपस में लड़ेंगे तो फिर हिंदुत्व का भला कैसे होगा। ये वही है जिसने चंद्रशेखर आजाद के लिए था कहा था, सावस तिवारी जेने उधारी। मनोज मुंतशिर इतना बड़ा जिहादी था, इतना बड़ा एजेंडाबाज था, इतना बड़ा कालनेमी था, भारत सरकार की खुफिया एजेंसी को कुछ भी नहीं पता था। बड़े षड्यंत्र के तहत जिहादी उड ने इसे एक इस फिल्म की पटकथा लिखवाई। इस फिल्म में शामिल कौन है, इस फिल्म का में जो मूल कलाकार है वो जो रावण बना हुआ है वो सैफ अली खान है, जिसने अपने बेटे का नाम तैमूर और गजनी रखा हुआ है। समझ जाइए कि भारत और सनातन के प्रति उसकी उसका नफरत किस स्तर का है। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की फिल्में फ्लॉप होने के बाद ये तय था कि इसकी फिल्म फ्लॉप होती ही, इसीलिए बड़े एजेंडा के तहत इसमें इस मुंतशिर को डाला गया। तो मुंतशिर क्या इस आदि पुरुष फिल्म में सनातन और राम को अपमानित करने के लिए पटकथा लिखा था, और बड़े ही ड्रामेटिक ढंग से इसने कहा कि हनुमान जी के लिए कुर्सी खाली है, पूरे हॉल भर देना सनातनियों, पूरे हॉल भर देना हिंदुत्ववादियों, हनुमान जी के लिए एक सीट खाली रखना। अब इसका खेल समझिए, शुरुआत में ये कहता है कि ये पूरी तरह से टीजर लागू होने के समय कहता है कि ये पूरी तरह से फिल्म रामायण पर आधारित है, प्रभु राम का महिमा मंडन है, लेकिन जब नग्न होता है तो कहता है कि राम की कथा अलग अलग ढंग से कही गई है, बच्चों को कहा सुनाया जाए इसलिए हमने मजाक के शब्द डाले हैं। इसने हनुमान के लिए कह दिया कि हनुमान जी तो
भगवान माना ही नहीं गया हनुमान जी को, इसने कह दिया कि संवाद हंसी मजाक के लिए किया गया है। तो क्या रामायण इसके लिए जोकराई का शब्द था, या फिर बहुत माल मिला इसे और इसके माध्यम से सनातन पर चोट मारने की साजिश की गई? राम मंदिर के निर्माण के समय राम के खिलाफ एक षड्यंत्र हुआ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कोई कौड़ी दो कौड़ी का मंतशिर हो सकता है, लेकिन क्या इतनी बड़ी सरकार, इतनी बड़ी सल्तनत, उसकी खुफिया एजेंसी क्या नंगड़ नाच कर रही थी? पुष्कर सिंह धामी और खट्टर की सरकार की खुफिया एजेंसी को कुछ भी नहीं पता था ये कौन है? ये बहुत गंभीर सवाल है। यदि सरकारें और उसकी खुफिया एजेंसी भारत विरोधी, सनातन विरोधी एजेंडा चलाने वालों के प्रति इस कदर निष्क्रिय है और ऐसे एंटी नेशनल, एंटी सनातनी लोगों का महिमा मंडन कर रही है, तो फिर इस देश का भगवान मालिक है। ये बहुत गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि अमित शाह को स्वयं इसकी गंभीरता पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं, क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है, क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। फिल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं, हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। हमेशा हमारा अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे तो हम यही कहते रहे कि भाई हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते, लेकिन हमें तो शुरू से यह पता था कि हम रामायण से बहुत हैवीली प्रेरित हैं।